मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी का, क्योंकि अभी भी इलेक्शन के टाइम में आपने देखा ही होगा कि बेरोजगारी, और आपने देखा बहुत सारा इल्जाम भी लगा कि प्रशासन भी इसमें लिप्त है। सत्ता पक्ष ने भी बोला कि हमने साल भर साल हमने रोजगार दिया। देखिए सरकार तो आंकड़े देती है जी, सरकार रोजगार नहीं देती। वो भरतपुर से आए अपनी जीप में रात को 4 बजे, वो कहा कि मवेशी लेके आना है और हमारे पास ठेका भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है और उसका लाइसेंस भी है। तो वो दो लड़के उस जीप में बैठ के चले गए और बाद में उनकी लाश मिली, वो जीप में उनको जला भी दिया गया। सब चीजों का यूपी में ही सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है बूचड़खाने की, कई एक नहीं कई है, और उनको चलाने वाले कोई एक समुदाय के लोग नहीं जैसा कि बताया जाता है। तो टॉप 10 कंपनीज, अगर उसका नाम मैं आपको बताऊं, टॉप 10 कंपनीज के जो मालिक हैं या जो उनके पार्टनर्स हैं, और आपने देखा बहुत सारा इल्जाम भी लगा कि प्रशासन भी इसमें लिप्त है, और अगर पैसा ना देने तो वो मारपीट करता है। तो वहाँ बहुत सारे ये इस तरीके के गौ संरक्षक जो हैं, सेल्फ स्टाइल्ड गौ संरक्षक, धन की उगाही करने लग गए और धन ना देने पर वो लोगों को मारने लग गए। एक केस आया था आज से 1.5 साल पहले नासिर जुनैद का, वो भरतपुर से आए अपनी जीप में रात को 4 बजे, उनको कहा कि मवेशी लेके आना है और हमारे पास ठेका भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है और उसका लाइसेंस भी है। तो वो दो लड़के उस जीप में बैठ के चले गए और बाद में उनकी लाश मिली, वो जीप में उनको जला भी दिया गया। तहकीकात में पता लगा कि जो 100 गौ संरक्षक टास्क फोर्स बनाई गई है, इसी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर उनको ढूंढ ढांड के अरेस्ट किया गया। राजस्थान की पुलिस भी आई, अशोक गहलोत की सरकार थी वहाँ पे कांग्रेस की, तो काफ़ी इसको पोलिटिसाइज किया गया। और बाद में उसमें कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसमें वो टास्क फोर्स को निलंबित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए या सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाती हैं, जो सरकार का ज़रूरी काम ये होता है कि कैसे वोट्स को अपनी तरफ खींचा जाए या सांप्रदायिक आधार पे इलेक्शन लड़ा जाए और जीता जाए, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। सर एक ये मुद्दा ये भी उठता है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ते हैं और क्राइम होते हैं उसमें, लेकिन इलेक्शन के टाइम में होता है, ये बीच में नहीं होता जब इलेक्शन खत्म होने के बाद? बीच में उसकी भूमिका बनती है, जैसे मैंने आपको बताया टास्क फोर्स बनती है तो कई सारी वायलेंस की जो घटनाएं हैं या जो अतिक्रमण की घटनाएं हैं ये अननोटिस चली जाती है, ये लोगों के संज्ञान में नहीं आती है। ऐसा तो है नहीं कि डकैती रोज ना पड़ती हो या कत्ल रोज ना होते हों, पर होता क्या, इलेक्शन के समय वो चीज़ें जो हैं वो संज्ञान में ले ली जाती हैं और अपोजिशन पार्टीज उसको जो है पब्लिसाइज कर देती हैं न्यूज़पेपर और अखबारों और सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा वेपन है जिसमें बहुत सारी सरकार की उपलब्धियां या उनके जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसको सांप्रदायिक आधार या सांप्रदायिकता के आधार पर ये नहीं तय करना चाहिए कि गाय और गंगा के संरक्षण में कौन सहयोग करेगा कौन नहीं करेगा, उनको एक स्टेट पॉलिसी बनानी चाहिए। और अभी तक वो स्टेट पॉलिसी ना तो बनी है ना स्टेट्स में उसका कोई, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या नॉर्थ हिंदी भाषी एरियाज में गाय को माता माना जाता है, और यही गाय जो है एबिटोर्स में जहाँ लाइसेंस मिलते हैं एक्सपोर्ट के वहाँ वो कटती भी हैं और बिकती भी हैं। मतलब इंडिया विदेशों के अगर देखा जाए तो दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है। तो अगर आपको गाय का संरक्षण करना था तो पहले तो गाय कटने का जो प्रावधान है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन लेके आनी चाहिए। पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में आप ही की सरकारें हैं जो अलाउ करती हैं सब चीज़ों का। यूपी में ही सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है बूचड़खाने की, कई एक नहीं कई हैं, और उनको चलाने वाले कोई एक समुदाय के लोग नहीं जैसा कि बताया जाता है। जो टॉप 10 कंपनीज, अगर उसका नाम मैं आपको बताऊं, टॉप 10 कंपनीज के जो मालिक हैं या जो उनके पार्टनर्स हैं वो हमारे ही समाज के लोग हैं। तो उसको सांप्रदायिक रंग ना देके उस पर स्टेट पॉलिसी बननी चाहिए, और गंगा पे भी ठेकेदारी का जो ये तरीका है कि करोड़ों रुपए की ठेकेदारी, अरबों रुपए का खर्चा कर दीजिए सरकार के व्यय का और उस पर कुछ काम ना हो, तो बजाय ठेकेदारी करने के स्टेक होल्डर्स आपको पब्लिक को ही बनाना चाहिए। इतनी बेरोजगारी है इस देश में, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, अगर गाय के और गंगा के संरक्षण के लिए अगर आप इन्हीं अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉय कर लें और उनको ही डायरेक्ट आप उनको
ये साधन देने, जैसे मनरेगा मजदूरों को आप 100 दिन का काम देते हैं, अगर बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का साल का काम अगर इस पे ही मिल जाए और डायरेक्ट उसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाए अपनी एक स्टेट बॉडी बनाकर, तो मुझे लगता है कि गंगा भी इसमें साफ हो जाएगी और बेरोजगारी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी का, क्योंकि अभी भी इलेक्शन के टाइम में आपने देखा ही होगा कि बेरोजगारी, इधर पूरी से ओपोजिशन ने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो उधर सत्ता पक्ष ने भी बोला कि हमने साल भर साल हमने रोजगार दिया। देखिए सरकार तो आंकड़े देती है जी, सरकार रोजगार नहीं देती, रोजगार के साधन उत्पन्न करने की एक एनवायरनमेंट बनाने का सरकार का काम होता है कि प्राइवेट निवेश आए, प्राइवेट निवेश आने से नई फैक्ट्रियां लगे, नई फैक्ट्रियों लगाने से भी रोजगार उत्पन्न तब होगा जब उस फैक्ट्री का माल बिकेगा। तो आपने देखा पिछले 10 सालों में इस सरकार ने सप्लाई साइड तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पोर्ट्स बनाए, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत की, पर ये सरकार डिमांड नहीं उत्पन्न कर पाई, और जब डिमांड नहीं उत्पन्न होगी तो प्रोडक्शन क्या होगी। तो करंट प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो इसीलिए कम है क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग घर में पैसा नहीं है, और पैसा इसलिए नहीं है कि रोजगार नहीं है। तो सरकार को चारों इंजन ग्रोथ के जो है वो साथ साथ जब तक नहीं चलेंगे जब तक देश में ना रोजगार उत्पन्न होगा, ना देश में व्यय होगा और ना खरीदारी होगी, और बगैर खरीदारी के फैक्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं। तो सरकार को नीति के अंतर्गत पॉलिसीज लेके आनी चाहिए और उन पॉलिसीज के अंतर्गत काम करना चाहिए, पर ये सरकार सिर्फ अपने और अपने कुछ लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए ही कार्यरत है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इस सरकार से फायदा नहीं। जैसे कि पूर्व लोकता ने बताया कि समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह के विषय को राजा साहब को हमारे राजा साहब ने इस बात बताया चले तो ऐसा ही होता है, समझ कुछ लोगों के अंदर ही हमारे जीवन में परिचरों में कई बार लोग एक परिवार सब लोग जिम्मेदार, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ लापरवाह होते हैं, और हो सकता है एक आदमी जिम्मेदार हो तो बाकी जो जिस नेचर के हो उस तरह का गंद भी फैलाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है परिवार सब साथ व्यवस्थित कर सब कुछ सही, ये पूरा देश ही एक परिवार है, निश्चित रूप से सब लोग जिम्मेदार होते हैं, सब लोग होता है शत प्रतिशत कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं, मैंने को भले हम लोग उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो समाज में कुछ जो अलग अलग विषयों के प्रति समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, सरकार आकर्षित करते हैं और उनकी एकता के कारण उनकी निष्ठा के कारण अलग अलग मुद्दों पर सरकार भी है, समाज साथ देता है और सफलता है। उसी तरह का एक मुद्दा गंगा भगवती के संदर्भ में हम लोगों के भी जीवन में है और वो एक राष्ट्र जाति आंदोलन उसके बहुत सारे सफल परिणाम हुए, ऐसे ऐसे बांध बंद करवाए गए जो कार्यक्रम हुआ जो कि वो चर्चा उस कार्यक्रम में के बाद जो स्थिति थी जिस बांध के ऊपर 600 करोड़ खर्च हुआ था उस बांध को भी बंद करना पड़ा था। तो जब देश के सब लोग इकट्ठे होते हैं इकट्ठे होते हैं निश्चित रूप से मानना ही आंदोलन तो बहुत एकदम शिखर स्तर पर पहुंचा और देश के कोने कोने में लोगों ने इसका समर्थन किया, आपने तो विदेशों में कई यात्राएं पूरे विश्व की यात्रा यात्रा करके सब जगह जल के संरक्षण उस पर काम किया, देश के बड़े आंदोलन हुए,
हो गया तो मैंने शुक्राचार्य आदेश से और बड़े बड़े सब से मिले थे हम सब एक परिवार के लोग सब जाते हैं। लेकिन जब जैसा कि मैंने सामने बताया हम लोग एक ऐसे व्यक्ति इस देश को संभालने आने वाले तो गंगा को कहा और इसी बात को जिन्होंने कहा है निश्चित रूप से हम लोग निश्चित हो गए अब सही हाथ सब कुछ आ गया। लेकिन इसीलिए हम लोग ठंडे पड़ने के पीछे एक मूल कारण यह है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है मतलब मित्रों को अच्छा तो सही व्यक्ति वो करेंगे और निश्चित रूप से आशा तो मिलनी चाहिए। सज्जनों की विशेषता है कि वो कोई यदि कहे उस पर विश्वास विश्वास पुलिस में और साधु में अंतर है। पुलिस जो है पहले अविश्वास करती है शक के दृष्टिकोण से और साधु में ये विशेषता है कि वो पहले जो आप कहें उसको मान आपका व्यवहार आगे चल के दोनों को स्पष्ट हो सकता है आप गलत जो प्रशासन है वो आपको सही मान आप साफ सुथरे और जो आप गलत होंगे साधु भी आगे चल के समझ लेगा कि साधु इसको तो जो सज्जे लोग हैं वो किसी की भी बात को स्वीकार बात नहीं जा रही निश्चित रूप से इसका सत्य है उस पर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं हम लोग इसीलिए ठंडे हो गए लेकिन जितने उम्मीद किया गया निश्चित रूप से गंगा जी के मामले में उतनी सफलता प्राप्ति नहीं हम लोगों की एक ही मांग थी गंगोत्री से जब गंगा जी चले गंगा सागर पहुँचने तक एक भी अवरोध उनके सामने नहीं उसके बहुत सारे कारण वैज्ञानिक लोग सामाजिक लोग अलग अलग विषय के विशेषज्ञ लोग समझाते हैं हम लोग सामान्य कारण कहते हैं भाई गंगा हमारी माँ है और माँ के सामने किसी भी तरह का अवरोध नहीं और उसके लिए हमारा जो यहाँ निकल समझाते हैं कि जब कोई बड़ा हमारे सामने आता है तो हम उसके सम्मान में अपने को प्रस्तुत करते हैं क्या करते हैं हम ये करते हैं कि उसका रास्ता है वो बंद करें ऐसे ही कोई आया आइए साहब आप बैठिए आगे चलिए रोकते नहीं तो जब कोई सम्मानित पुरुष जब कोई सम्मानित पति हमारे सामने आए तो उसके रास्ते को निरंतर बढ़ते देना यही उसका सब और गंगा जी के मामले में तो इतिहास पौराणिक कथाएं जब भगवती गंगा का अवतार हुआ तो इस देश की चक्रवर्ती सब आज तो भारत देश की एक सीमा है राज्य की सीमा है बहुत सीमित लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज भगीरथ गंगा जल पर आए तो अपने रथ पर खड़े होकर के शंख बजाते हुए और गंगा सागर का बंद हो गया। इसका मतलब गंगा का सम्मान अपने देश में इस तरह का और गंगा का क्या सम्मान है कि उसके रास्ते को कहीं भी रुकने नहीं यही सब हम लोगों की तो यही एक बात अच्छा कि गंगा जी के मार्ग में इतने भी बाहर देश में 15,000 नदियाँ हैं 15,000 नदियों वाले इस देश भारत कम से कम एक नदी तो ऐसी हो जो अपने मूल स्वरूप में बहे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई ऐसी नदी हमारे शायद हमारे देश में शायद नहीं बची जो अपने मूल से अपने उद्गम स्थान से गंतव्य तक 10-10 प्राकृतिक रूप में शायद ही तो हम लोग चाहते थे कि